नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान गर्माया हुआ है और इसी के चलते राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही है। आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर तंज कसने में जुटे हुए हैं और इसी के चलते कभी कांग्रेस का पलड़ा भारी होता है तो कभी बीजेपी का होता है और इसी के चलते बीजेपी सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है और इस बीच शुक्रवार को राजे ने झालावाड़ में राजनीति छोड़ने का संकेत देकर सबको चौंका ही दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने दो दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंची थी और अपने दौरे के पहले दिन वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और इसी दौरान अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का भाषण सुना और बीजेपी की रैली को संबोधित किया। इसके साथ इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राजे ने आगे कहा, आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है कि मुझे उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने इस बार अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपनी नाराजगी जाहिर की है। विधानसभा चुनाव के रण का ऐलान हो चुका है और अब झालरापाटन विधानसभा सीट से लगातार पांचवी बार वसुंधरा राजे को बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज नामांकन दाखिल करेंगी। राजे दोपहर करीब 1:30 बजे शुभ मुहूर्त में पर्चा भरेंगी और इससे पहले राजे राडी के हनुमान मंदिर जाएंगी और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, फिर अखंड ज्योत जलाकर नामांकन दाखिल करने जाएंगी। आपको बता दें कि राजे हर बार नामांकन दाखिल करने से पहले राडी के हनुमान जी मंदिर जाती है, वे वहां से आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत करती है। साथ ही यहां से राजे 10वां चुनाव भी लड़ रही है। उन्होंने झालावाड़ जिले से 34 साल वर्षों का परिवार का रिश्ता दोहराया। वहीं जिले के रुके विकास कार्य और पेपर लीक के मामलों को लेकर सूबे की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राजे ने कहा कि अब फिर से राजस्थान के दिन आने वाले हैं, झालावाड़ के दिन आने वाले हैं और फिर से प्रदेश में वैसा ही विकास होगा जैसा पहले की बीजेपी सरकारों में हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार झालावाड़ आई थी तो यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन इतने वर्षों में सबके साथ से झालावाड़ ने विकास के कई आयाम छुए हैं। सभा में वसुंधरा राजे को सुनने के लिए जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता झालावाड़ पहुंचे थे। वहां राजे ने स्टेज पर कार्यकर्ताओं से पूछकर भाजपा प्रत्याशियों की विजयी बनाने के लिए उनके गले में माला पहनाई। वसुंधरा राजे की झालावाड़ में हुई जनसभा में सांसद दुष्यंत सिंह समेत भाजपा नेता मुकेश दाधिच, जिला प्रभारी छगन माहुर, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, आरपीजी के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार समेत कई नेता भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।